तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो है सेक्शन 2.4 में एनर्जी रिकवरी, और ये हम थ्रू एक सर्किट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दो सर्किट्स हैं उसके ज़रिए हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी रिकवरी से नॉर्मली मुराद ये है कि अगर हमारे पास कोई लोड ऐसा है जिसमें एनर्जी स्टोर हो सकती है, मिसाल के तौर पे इंडक्टिव लोड है, जिस तरह यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि लेट्स से हमारा लोड जो है वो ये चीज़ है, और इंडक्टिव लोड लेट्स से कोई सोलेनॉइड वॉल्व है जिसे आपने ऑन या ऑफ करना है, तो उस की जो कॉइल है आप उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, एक तरीका आपके पास ये है कि आप इसको डिसिपेट कर दें, इसको ज़ाया कर दें, और दूसरा तरीका आप ये है कि आपके पास जो कोई स्टोरेज है या जो सोर्स है उसमें आप इसको रिटर्न कर दें। ये दो आपके पास ऑप्शन है। तो रिकवरी से क्या होगा कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी, कि मतलब जो एनर्जी आप सिंपली लॉस करवा रहे हैं वो आप जो है सोर्स को रिटर्न कर सकते हैं। तो इसलिए इसका टर्म जो है एनर्जी रिकवरी। ओके, तो ये जो सर्किट है इसमें हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर को हमारे पास मिल रही है ये जो पल्स है, लेट मी कॉल इट यू। तो जब यू हमारे पास वन है, जहाँ जहाँ पे यू वन हो जाता है तो इस स्विच को एज अ क्लोज स्विच, और जहाँ पे यू हमारे पास ज़ीरो है तो वहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए ओपन स्विच। तो इसमें हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक जब यू वन है हमारे पास, व्हेन द वैल्यू यू इज़ वन, और ये हमारे पास है जब ट्रांजिस्टर ऑन है फ्रॉम ज़ीरो टू टी वन, लाइक कोई इंटरवल है टी वन, और फिर दूसरा इंटरवल है जब स्विच ऑफ हो, जब स्विच ऑफ हो फ्रॉम टी वन टू पीरियड टी, ये कब होगा जब हमारे पास यू जो है वो ज़ीरो है। ओके, तो जब हमारे पास यू वन होता है या ये स्विच क्लोज होता है तो इस वीसीसी और ग्राउंड के बीच इंडक्टर कनेक्ट हो जाता है, इस वीसीसी आ जाता है इसके पॉजिटिव एंड, इस प्लस एंड के साथ आ जाता है वीसीसी, इधर आ जाएगा वीसीसी और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास उसका ग्राउंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो हमारे पास हो जाएगी इक्वल टू वीसीसी, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बन जाएगी वीसीसी, क्योंकि पॉजिटिव और उसके नेगेटिव के बीच जो है हमारे पास कनेक्ट हो गया है इंडक्टर। ओके, अब हमारे पास अगर इस टाइम पे हम करंट को देखें, जो इंडक्टर करंट है यहाँ से जो फ्लो कर रहा है IL, अब ये करंट किस तरह से एक्ट करेगा। ओके, पहली चीज़ ये कि क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है इस करंट का, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स करंट है, सोर्स से जो करंट आ रहा है वो सिर्फ इस इंडक्टर को ही सप्लाई हो रहा है, तो सोर्स करंट इज़ इक्वल्स टू इंडक्टर करंट। और इंडक्टर करंट हम डिटर्मिन कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर होती है वो है LdIL/dt, इस चीज़ के इक्वल होती है, और हम सिंपली इंटीग्रेशन से बता सकते हैं IL, हम बता सकते हैं, और हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1/L को दूसरी साइड पे ले आते हैं हम, और विद द वेरिएबल टी, और जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है यहाँ पे वो क्या है VCC, ये हमारे पास नोन है, तो VL की जगह मैं सिंपल VCC सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, एंड लेट मी कॉल इट लैम्डा, क्योंकि मैंने वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है टी, सो IL बिकम्स VCC/L इंटू टी।
अगर इनिशियल करंट हमारे पास ज़ीरो है, इसमें कोई इनिशियल करंट नहीं है, ठीक है, ये प्रोवाइडेड के इनिशियल करंट कोई नहीं है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है जब स्विच क्लोज होता है तो ये डिटरमिन करता है। और अगर हम इस ये जो ड्यूरेशन है इसके एंड पे बात करें कि आई एल एट टाइम टी वन, तो उस टाइम पे ये वैल्यू पहुंच चुकी होगी, सिंपल टी को आपने टी वन कर देना है, तो ये वो वैल्यू है जहां पे आप पहुंच जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस इंटरवल। ओके, फिर हमारे पास अगर यू हो जाता है ज़ीरो, स्विच अगर हमारे पास ओपन हो जाता है, तो अब हमारे पास फ्रॉम वीसीसी टू ग्राउंड कोई पाथ नहीं है, तो जो सोर्स करंट है सोर्स में से कोई करंट नहीं आ सकता क्योंकि ग्राउंड और उसके बीच जो है कोई कनेक्शन नहीं है। अलबत्ता जो स्टोर्ड एनर्जी है इंडक्टर के अंदर, वो स्टोर्ड एनर्जी इस लूप में वो फ्लो करती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एल डी आई एल ओवर डी टी प्लस आई एल टाइम्स आर इक्वल्स ज़ीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज ज़ीरो, और जिसे हम लिख सकते हैं के डी आई एल ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस आर ओवर एल टाइम्स आई एल, या हम कह सकते हैं कि आई एल ऑफ टी इज सम इनिशियल सम अननोन कांस्टेंट ई टू द नेगेटिव आर ओवर एल टी। और ये जो ए है इसको हम नॉर्मली कहाँ से लेके आते हैं, इनिशियल कंडीशन से। सो इस फेज के लिए इनिशियल कंडीशन कहाँ से आएगी, यहाँ से, इधर से हमारे पास आएगी इनिशियल कंडीशन, क्योंकि वो है एट टी वन और यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन है आई एल एट टी वन। तो अगर ये हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो आई एल हमारे पास आ जाएगा आई एल एट टी वन, जो इनिशियल वैल्यू है प्रीवियस उसमें से हमने जो उठा ली है, ई टू द माइनस आर ओवर एल टाइम्स टी, ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई है, लेट मी कॉल इट थ्री। ओके, अब अगर इसको हम प्लॉट कर दें इन वेव फॉर्म्स को, यहाँ पे इन वेव फॉर्म्स को अगर हम प्लॉट करें तो पिक्चर कुछ यूं बनेगी। टाइम एक्सिस, और इसके ऊपर मैं बना लेता हूँ जो हमारे पास है ये सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल है वो ये है, लेट मी कॉल इट यू। ये हमारे पास कंट्रोलिंग कर रहा है कि स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा, वो यहाँ से हमारे पास कंट्रोल हो रहा है। इनको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस तरह से। ओके, तो अब हमने प्लॉट करनी है, एक हमने प्लॉट करना है इंडक्टर करंट और एक हमने प्लॉट करना है सोर्स करंट, और उसके बाद उसमें से हम वो निकाल लेते हैं जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसकी, वो निकाल लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो है इसमें मैं इंडक्टर करंट और यहाँ पे जो है मैं सोर्स करंट, ये मैं प्लॉट करने लगा हूँ। तो इंडक्टर करंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वन
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन वो हमारे पास है एक लाइन की इक्वेशन, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो वो इंक्रीज करता जाएगा इस तरह से, और फिर इस पॉइंट के ऊपर आके ये है जिसे मैं कह रहा हूँ इनिशियल कंडीशन आई एल एट टी वन। इस पॉइंट पे आके हमारे पास स्विच जो है वो ज़ीरो मतलब क्लोज क्लोज से ओपन स्टेट में चला जाता है, या उसका जो ये यू की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है, वन फिर ज़ीरो हो जाती है, इस तरह से चल रही है। तो जब यू हमारे पास वन है उस टाइम पे इंडक्टर और सोर्स करंट सेम है, तो इसका मतलब जो करंट इंडक्टर में से फ्लो कर रही है वही करंट सोर्स में से आ रही है, बिल्कुल सेम प्लॉट। ओके, तो जब यू हमारे पास ज़ीरो हो जाता है तो हमने ये बताया कि उस टाइम पे कोई सोर्स करंट नहीं फ्लो करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इंडक्टर में से जो स्टोर्ड एनर्जी है वो जो स्टोर्ड एनर्जी है इंडक्टर की वो सर्कुलेट करती रहेगी यहाँ पे, और उसको कैसे डिटरमिन किया जाएगा इस रिलेशन से कि वो स्टार्ट लेगा इनिशियल वैल्यू से और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग रिस्पॉन्स उसका हमारे पास आएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास आई एल की, और ये हमारे पास जो वेव फॉर्म आई है वो है सोर्स करंट की, सोर्स करंट, और उसमें ये डिफरेंस हमारे पास है कि सोर्स करंट जब स्विच ओपन हो जाता है तो उस सोर्स करंट आना बंद हो जाता है, लेकिन जब इंडक्टर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसके बलबूते पे वो अपना जो करंट है उसको उधर ही मेंटेन रखता होता है। ओके, अब अगर हम उसकी बात करें थोड़ी सी जो पावर की बात करें इंस्टेंटेनियस पावर की, तो सोर्स ने क्या पावर डिलीवर किया ये हम यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस प्लॉट हम बना सकते हैं। अच्छा जी, तो अब सोर्स हमारे पास करंट डिलीवर कर रहा है जब यू हमारे पास होता है वन, और नहीं कर रहा जब यू हमारे पास होता है ज़ीरो। तो जब करंट नहीं आ रहा हमारे पास दैट मीन्स के पावर भी हमारे पास नहीं आ रही, जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होगा वट एवर दूसरी चीज़ जो भी है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे यू हमारे पास ज़ीरो है वहाँ वहाँ पे जो पावर सोर्स से जो आ रही है वो ज़ीरो है। अब ये अगर मैं इसको पी टाइम्स एस कह दूँ कि सोर्स से जो पावर आ रही है तो वो प्रोडक्ट होगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो प्रोडक्ट होगा वी सी सी एंड आई एस ऑफ टी का, क्योंकि वी सी सी फिक्स्ड है हमारे पास। जो वी सी सी है वो हमारे पास है एक फिक्स्ड वैल्यू, तो इसका मतलब शेप यही रहेगी जो कि सोर्स करंट की है, सिर्फ ये जो लेवल है ये डिटरमिन हो जाएगा वी सी सी टाइम्स आई एल या आई एस एट टी वन। ठीक है, ये हमारे पास है आई एल एट टी वन है ये लेवल, तो इसके साथ वी सी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेव फॉर्म यही रहेगी सिर्फ जो है उसका उसके साथ वी सी सी मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे फिर से क्योंकि सोर्स करंट इस तरह से है, अगेन यहाँ पे पावर जो है इसी तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड के ये एक ही लेवल है, हम कह रहे हैं कि स्टडी स्टेट के अंदर ऑपरेट कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास वेव फॉर्म बन गई है, वेव फॉर्म्स आ गई है इंडक्टर करंट की, इंडक्टर वोल्टेज की
सॉरी सोर्स करंट की, इंडक्टिव करंट की, और इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अगर हम अब फाइंड करना चाहते हैं एवरेज पावर, तो एवरेज पावर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को एवरेज करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हमें एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज सोर्स पावर, जो सोर्स पावर हमें सप्लाई कर रहा है वो हमारे पास होगा VCC को, अगर हम क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको हम बाहर लिख सकते हैं, एंड इट्स फ्रॉम 0 टू सम पीरियड टी, एंड IS ऑफ टी इंटू DT, और फिर हम जो IS की जो रिलेशन है हमारे पास, IS की क्या रिलेशन हमारे पास आई थी, ये वाली N1, दैट इज VCC ओवर L, ठीक है, क्योंकि IL और IS आपस में इक्वल है ड्यूरिंग 0 to T1, टाइम्स T एंड DT, हमने IS की जो वैल्यू है वो बीच में सब्स्टिट्यूट कर दी, लेकिन अब जो इंटीग्रेशन हो रही है वो हमारे पास, ये हमारे पास है पीरियड टी, और ये हमारे पास है वो टाइम जिसके लिए सोर्स में से करंट आ रहा है। तो अगर हम 0 से T तक करेंगे तो ये जो रीजन है फ्रॉम T1 to T, यहाँ पे पावर वैसे भी 0 है तो इसमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल गो फ्रॉम 0 to T1। ओके, तो अब अगर हम इस एवरेज को सिंप्लीफाई करें, वी विल गेट VCC स्क्वेयर ओवर L, और फर्दर इंटीग्रेट करें सो वी विल गेट टी स्क्वेयर ओवर 2। और यहाँ पे मैंने, एक सेकेंड, ये जो टी है एवरेजिंग का वो मैंने स्किप कर दिया है गलती से, तो यहाँ पे आ जाएगा VCC टाइम्स टी स्क्वेयर ओवर 2 L T। सो ये हमारे पास रिलेशन है एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, ठीक है, सोर्स ने जो एवरेज पावर डिलीवर किया उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो ये आ गई। अब अगर हम फाइंड करना चाहते हैं एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द लोड, लोड को क्या मिला, तो अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो दोबारा ये सारा प्रोसेस करने से आप बच सकते हैं। मतलब पहले पहले तो ये कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लोड में से करंट की वेव फॉर्म क्या है, लोड सॉरी लोड तो इंडक्टर है लेकिन ये रेजिस्टर जो है, आई एम सॉरी, ये जो रेजिस्टर है आर, इसमें करंट की वेव फॉर्म क्या है, तो उसको मैं सिंपली यहाँ से बता देता हूँ कि इस रीजन में करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द इंडक्टर, और ये जो इंडक्टर करंट है यहाँ पे, आई मीन यहाँ पे IL इज इक्वल्स टू IR, जो करंट इंडक्टर में से है वही करंट जो है रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टर की वेव फॉर्म, रेजिस्टर में से करंट की वेव फॉर्म जो है सिंपली 0 है, और यहाँ के बाद वो इसी तरह डिकेंगे एक्सपोनेंशियल और फिर 0, ठीक है। तो आपके पास ये है IR, करंट थ्रू रेजिस्टर की वेव फॉर्म, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके वोल्टेज के साथ, क्योंकि रेजिस्टर में से जो जो करंट है अगर ये नॉन है तो वोल्टेज सिंपली आप उसको आर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। IR जो है वो आपके पास है एग्जैक्टली यही इक्वेशन नंबर 3।
तो एवरेजिंग आप इंटीग्रेशन करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले थिंक अबाउट कि जो पावर सोर्स से आकर इंडक्टर में स्टोर हो रही है इस पर्टिकुलर केस में, यहाँ पे स्टोर एनर्जी स्टोर हो रही है, वही एनर्जी जाके डिसिपेट हो रही है इस रेजिस्टर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज पावर हमने फाइंड की, जो सोर्स ने डिलीवर की है, क्योंकि इंडक्टर तो एनर्जी उसने सारी डिसिपेट कर दी है रेजिस्टर में, तो ये जो सोर्स वाली ये जो एवरेज पावर है, ये एग्जैक्टली रेजिस्टर की भी एवरेज पावर है, क्योंकि यही सारी एनर्जी, यही सारी जो पावर है वहाँ पे डिसिपेट हो रही है। ठीक है, तो सिंपली आप इंट्यूशन से ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं, और अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं विद टी, गेट रिड ऑफ दिस टी, और वो आपको वो एनर्जी बता देगा जो डिलीवर हो रही है इस इंडक्टर को, जो कि अल्टीमेटली इस रेजिस्टर को मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया एनर्जी रिकवरी के बारे में, कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना शुरू किया, और एक सिंपल सर्किट जिसमें हमारे पास एक इंडक्टिव लोड है और उसकी जो एनर्जी है उसको डिसिपेट करने के लिए हमारे पास एक रेजिस्टर है। तो हमने ये देखा कि जो सोर्स से पावर आ रही है, क्योंकि इंडक्टर जो है एनर्जी को स्टोर करता है, डिसिपेट नहीं करता, एक्चुअल में थोड़ी बहुत डिसिपेशन होती है, क्योंकि जो भी इंडक्टर है उसके साथ पैरासिटिक रेजिस्टेंस होती है। तो ये जो पार्ट है पैरासिटिक रेजिस्टेंस, ये हमारे पास पावर डिसिपेट करता है। लेकिन आइडियली स्पीकिंग कि इंडक्टर जो है वो नहीं कर रहा पावर डिसिपेशन, लेकिन ये जो एनर्जी है हमें लाजमी यहाँ से डिसिपेट करवानी पड़ रही है, क्योंकि ये ख़तरनाक है इस स्विच के लिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर हमारे पास एक अल्टरनेट सेटअप हो लाइक दिस, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है हम ट्रूली रिकवर कर सकते हैं। एनर्जी जो इंडक्टर के अंदर स्टोर हो रही है पहले केस में, वो हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन वही सेटअप है, उसी तरह का एक सेटअप है हमारे पास। लोड हमारे पास है अगेन एक इंडक्टर, और इंडक्टर में इंडक्टर को जो करंट अप्लाई किया जा रहा है, जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, वो तब फ्लो कर रहा है जब ये ट्रांजिस्टर दोनों ऑन हो जाते हैं। इन दोनों ट्रांजिस्टर को एक ही सिग्नल जो है वो मिल रहा है। तो अगर हमारे पास U1 होता है, लेट्स से लेट मी कॉल दिस सिग्नल U, अगर U1 होता है फ्रॉम 0 to T1, तो इस दौरान हमारे पास ये जो दो ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाते हैं, और इक्विवेलेंट सर्किट ये हमारे पास फॉर U=1, दोनों ट्रांजिस्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर हमारे पास दूसरा केस है जिसमें U=0 होगा, एंड U=0 मीन्स कि हमारे पास ये जो यहाँ पे मॉसफेट है या BJT, इस टाइम BJT है, अगर मॉसफेट भी है तो ये ओपन सर्किट हो जाएंगे, इसमें से करंट नहीं फ्लो कर सकता। तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास ये एडिशनल डायोड्स जो हमने यूज़ किए हुए हैं, ये हो जाएंगे क्लोज, एक्ट करेंगे एज क्लोज स्विच। ओके, तो जब यू हमारे पास U=1 है, तो इसका मतलब दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन हैं। लेट मी कॉल देम Q1, Q2। तो U=1 मीन Q1, Q2 आर ऑन, और जब यू हमारे पास 0 है दैट मीन्स
Q1 एंड Q2 आर ऑफ, तो इन दोनों का जो ऑन और ऑफ है वो डिटरमिन हो रहा है हमारे पास इस स्विचिंग सिग्नल U से। तो डिटेल में जाते हैं पहले ट्रांजिस्टर ऑन के केस में, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स ऑन एंड ट्रांजिस्टर्स आर ऑफ, तो जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑन है और ये इक्विवेलेंट सर्किट है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि VCC जो है वो इंडक्टर के एक एंड के साथ कनेक्ट हो जाता है और उसका जो ग्राउंड है वो इंडक्टर का वो दूसरे एंड के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे ये पता चलता है हमारे पास कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो हमारे पास है इक्वल्स टू VCC इस केस में। तो VCC के इक्वल है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब अगर हम करंट फाइंड करना चाहते हैं तो इस केस में करंट क्या होगा, सोर्स करंट इक्वल होगा इक्वल्स टू इंडक्टर करंट, ठीक है। सोर्स से करंट आ रहा है और ये फ्लो कर रहा है थ्रू इंडक्टर और मूविंग टुवर्ड्स दी, तो ये हमारे पास आ गया एक सेटअप। अच्छा, अब अगर हम एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं फॉर द इंडक्टर करंट, तो इस केस में हमारे पास ये काम है। तो इंडक्टर करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास, क्योंकि जो रिलेशन है दैट्स एल डी आई ओवर डी टी, ये हमारे पास है VL, और VL क्योंकि नोन है वो है VCC, और हमें डिवाइड बाय एल करके डी आई ओवर डी टी में से फाइंड करना है आई एल की इक्वेशन। सो इंटीग्रेट करने से हमें मिल जाएगा आई एल की जो रिलेशन हमें मिलेगी वो है वी सी सी ओवर एल टाइम्स टी। तो इसको अगर देखा जाए तो ये एग्जैक्टली वैसी है जिस तरह पिछले केस में थी कि अगर ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो इंडक्टर करंट जो है वो राइज करेगा, और ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो पिछले केस में थी। और अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ, आई एल ऑफ टी इज़ वी सी सी ओवर एल टाइम्स टी, और फाइनल इसकी जो वैल्यू आएगी कि आई एल एट टाइम टी वन, क्योंकि ये जो इंटरवल है टी वन तक, टी वन पे जाके ख़त्म हो जाता है, तो इट्स वी सी सी ओवर एल टाइम्स टी वन, ये हमारे पास जो है इक्वेशन वन, इसको कह देते हैं, इसको टू कह देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक इंडक्टर करंट की जब दोनों स्विच हमारे पास हो जाते हैं ऑन। तो जब स्विचेस ऑन होते हैं एज वी कैन सी, तो ये हमारे पास लेट्स से ये इस डायोड का, क्योंकि कैथोड है और ये इस डायोड का हमारे पास एनोड है, तो कैथोड कनेक्टेड है वीसीसी के साथ और ये जो टर्मिनल है ये कनेक्टेड है, कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड के साथ, तो इसको फोर्स करेगा ऑफ, इसको ऑफ करेगा। इसी तरह दूसरा डायोड भी हमारे पास ऑफ रहेगा, क्योंकि जब ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो ये पॉइंट भी है वीसीसी, इधर भी वीसीसी है, इधर भी वीसीसी है, और ये पॉइंट इसका ग्राउंड पे है, तो इसका मतलब ये ऑफ रहेगा। सो यू कैन सी यहाँ पे ये ऑफ स्टेट में है। अब जब हमारे पास दोनों जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये ओपन हो जाते हैं, ये कब ओपन होंगे, जब यू इक्वल्स जीरो, जब दोनों ट्रांजिस्टर ओपन हो जाते हैं तो इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है स्टोर्ड एनर्जी उसको रिलीज़ करने के लिए हमारे पास जो पाथ बनेगा, इस एनर्जी को रिलीज़ करने के जो पाथ बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होता हुआ वीसीसी के अंदर। ये हमारे पास जो इंडक्टर करंट का पाथ बनेगा व्हेन यू इज़ इक्वल्स टू जीरो, जब यू इक्वल्स टू वन था तो ये सिचुएशन थी, अब यू इक्वल्स टू जीरो है तो ये सिचुएशन है। अच्छा, अब अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को देख लें कि ये जो टर्मिनल है, मैं इसको
इंस्टेंस हटा देता हूँ। ये जो टर्मिनल है ये अगर आप इसको ट्रेस करें तो ये कनेक्टेड है विद वीसीसी, और इस टर्मिनल को अगर आप ट्रेस करें तो ये जाके कनेक्टेड है विद ग्राउंड। तो इसका मतलब इसको वीसीसी अप्लाई हो रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। पहले यहाँ पे ये पॉइंट वीसीसी था और यहाँ पे था ग्राउंड। अब ये जो पॉइंट है ये वाला पर्टिकुलर, ये हमारे पास है ग्राउंड और ये है वीसीसी। तो क्योंकि हम पॉजिटिव यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, नेगेटिव यहाँ पे, इसका मतलब माइनस वीसीसी अप्लाई हो रहा है अक्रॉस दी लोड, द अक्रॉस दी लोड दैट इज इंडक्टर। तो पहले केस में हमारे पास था वी एल इक्वल्स टू वी सी सी, अब हमारे पास है वी एल इक्वल्स टू माइनस वी सी सी। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात कि उसमें था हमारे पास आई एस इक्वल्स टू आई एल वन, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास आएगा आई एस इक्वल्स टू माइनस आई एल वन, क्योंकि अब जो इंडक्टर करंट है वो रिटर्न हो रहा है सोर्स में, मतलब इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स है, यूँ जा रही है, आई एल जो उसकी बरक्स जा रही है। तो इसमें हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, मतलब पहले हमारे पास था वी एल इक्वल्स टू वी सी सी, आई एल आई एस इक्वल्स टू आई एल वन, जबकि यहाँ पे अब वी एल इक्वल्स टू माइनस वी सी सी एंड आई एस इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है माइनस आई एल वन। यहाँ पे अगर करंट की इक्वेशन देखना चाहते हैं हम, तो उसके लिए हम स्टार्ट लेंगे कि वी एल अगेन हमारे पास है, वी एल इज़ एल डी आई एल ओवर डी टी, और वी एल हमारे पास अब है, अगर हम आई एल की इक्वेशन देखना चाहते हैं तो इट्स वन ओवर एल, और हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस वी सी सी को, हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस वी सी सी को। और अगर हम इसमें चेंज ऑफ वेरिएबल करना चाहते हैं तो लेट्स से कोई कोई और वेरिएबल है तो हम इसको फ्रॉम ज़ीरो टू टी कह सकते हैं, और हमारे पास इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से। इनिशियल वैल्यू में हमारे पास है वी सी सी ओवर एल टाइम्स टी वन, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये सिचुएशन है, और सॉरी इट्स फ्रॉम टी वन, क्योंकि अब हम हमारा जो इंटरवल है वो टी वन से टी तक है, ये हमारे पास इंटरवल है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास जो इंडक्टर करंट आएगा इट्स माइनस वी सी सी ओवर एल एंड टी माइनस टी वन प्लस वी सी सी ओवर एल टाइम्स टी वन एंड इट्स इक्वल्स टू, अगर हम इसमें से इसको कॉमन ले लेते हैं वी सी सी ओवर एल को, इवन माइनस वी सी सी ओवर एल को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, सो हमारे पास जो चीज़ रह जाएगी इट्स टी माइनस टी वन एंड देन अ माइनस टी वन, सो इसका मतलब माइनस वी सी सी ओवर एल टी माइनस टू टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है इंडक्टर करंट का जब हम हमारे पास यू इक्वल्स ज़ीरो है। ओके, सो ये इसमें हमारे पास दो स्टेट्स अगेन आ रही हैं, जिस तरह पहले था यू इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए क्या सिचुएशन है, यू इक्वल्स टू वन के लिए क्या सिचुएशन है। अब हम अगर इस इन वेव फॉर्म्स को अगर हम प्लॉट कर लें
तो हमारे पास प्लॉट जो है वो किस तरह से बनेगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं प्लॉट बना रहा हूँ इंडक्टर करंट का। दिस इज टी एक्सेस एंड हियर इज IL। स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो हमारे पास T1 तक, 0 से T1 तक ये हो रहा है कि करंट इंक्रीज़ कर रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1। ये लीनियरली इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पे किसी वैल्यू तक पहुँच जाता है जिसे हम IL@T1 कह देते हैं। फिर इसके बाद जो है दूसरी चीज़ आ जाती है स्टेट 2, जिसमें हमारे पास U जो है वो चेंज हो जाता है। मीन्स पहले था U=1, अब हमारे पास आ गया आ जाएगा U=0। U=0 लेट्स से यहाँ तक है, तो ये हमारे पास है U। तो इसके बाद ये होगा कि जो जितना टाइम इसको यहाँ से 0 से IL@T1 तक लगा है उतना ही टाइम इसको लगेगा वापस, मीन्स 2T1 पे आके ये फिर से 0 हो जाएगा। और वजह उसकी ये है कि पहले इसके अक्रॉस अप्लाई होता था VCC, अब अप्लाई हो रहा है इसके अक्रॉस -VCC। ठीक है, तो अगर मैं इसके वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाना चाहूँ तो VL जो है हमारे पास जब U1 था तब उसके क्रॉस आ रहा था VCC, और उसके बाद जो है हमारे पास आने लगा है -VCC, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक, अच्छा, अब अगर सोर्स करंट की बात की जाए तो सोर्स करंट हमारे पास कैसा बनेगा, उसके जो इक्वेशन है वो हम पहले प्लॉट अगर देख लें फिर उसके बाद इक्वेशन देख लेते हैं। सो ये है हमारे पास IL जो 0 से T1 तक इंक्रीज कर रहा है और फिर T1 से 2 टाइम्स T1 तक रिड्यूस हो रहा है, और फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए 0, और फिर नेक्स्ट साइकिल जब T से शुरू हो रहा है तो फिर 1 हो जाता है। यहाँ पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ IS जो कि सोर्स करंट है। तो अब सोर्स करंट को हमने बताया हुआ है कि सोर्स करंट हमारे पास है =IL1 व्हेन U इज़ 1। सो ये हमारे पास है IS1 IS, और फिर उसके बाद हमारे पास आएगा स्टेज जब IS=, यहाँ पे है IL=IS। अब दोबारा एक स्टेज आएगा हमारे पास जहाँ पे है IS=-IL। तो अगर ऊपर इंडक्टर करंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, फिर उसके बाद जो है करंट 0, क्योंकि एनर्जी जो है वो सारी रिलीज हो गई, और उसके बाद जो है कुछ यूं। अब अगर इस IS की वेव फॉर्म देख लें हम, तो एवरेज पावर सप्लाइड बाय द DC सोर्स, हमारे पास पावर DC सोर्स की जो ने जो एवरेज पावर सप्लाई की है उसको अगर हम देखना चाहें तो इट्स 1/T, और इंटीग्रेट करेंगे from 0 to T VCC टाइम्स जो ये करंट है IS वेव फॉर्म है into DT=VCC, क्योंकि कांस्टेंट है ये आप बाहर निकाल सकते हैं, /T, एंड लेट्स इंटीग्रेट from 0 to T IS DT। तो IS की जो वेव फॉर्म है वो सजेस्ट कर रही है आपको कि ये पॉजिटिव एरिया और ये नेगेटिव एरिया ये सेम है। इसका मतलब ये जो एवरेज वैल्यू है करंट की ये 0 है, एंड दिस लीड्स अस टू द कंक्लूजन कि सोर्स ने जो एवरेज पावर डिलीवर की है वो 0 है। तो ये वो चीज़ है जो कि हमें एनर्जी रिकवरी बता रही है कि लोड ने जो ड्राइव होना था लोड को हमने ड्राइव कर लिया, कोई चीज़ इससे ऑन होनी थी। इवन मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी कि कोई सॉलिनॉइड वॉल्व है या इवन जो
अगर ओवन या उसकी डोर की बात करें, ओवन डोर की बात करें, जो कि आप जैसे ही टाइमर सेट करते हैं वो ऑटोमेटिकली जो लॉक हो जाता है, तो इस सोलेनॉइड वॉल्व को एक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है, उसको एनर्जाइज किया जाता है। तो जब टाइमर वो होता है तो उसकी जो इंडक्टर की जो एनर्जी है उसको निकाल दी जाती है, ताकि जो डोर को लॉक किया गया है उसको अनलॉक किया जा सके। तो हमारे पास यहाँ पे इस एनर्जी रिकवरी में आपको नज़र आ रहा है कि जो एवरेज पावर, आइडियली जो प्रोसेस हुआ है इसमें एवरेज पावर जो डिसिपेट हुई है वो हमारे पास है ज़ीरो, एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस केस जिसमें हम एनर्जी को बजाय रिटर्न करने के उसमें हम क्या कर रहे थे, उसको डिसिपेट कर रहे थे थ्रू इन ए रेजिस्टर, और उस वजह से जो एनर्जी आ रही थी वो सारी की सारी, जो पावर आ रही थी वो सारी की सारी डिसिपेट हो रही थी इन दैट रेजिस्टर, और यहाँ पे हम उसको रिटर्न कर रहे हैं टू द सोर्स। और ये किस किस चीज़ के कास्ट से आ रही है, हमारे पास एक दो एडिशनल डायोड और एक ट्रांजिस्टर से।